this movie is encoded by Dr. Star. गर्मियों का समय मस्ती करने का समय है। आप धूप में लेट सकते हो, बाइक चला सकते हो, मॉशरूम इकट्ठा कर सकते हो। मुझे गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार ये गर्मियाँ मेरे और मेरी बहन के लिए सबसे डरावनी थी। सबसे पहले मेरी मॉम अचानक गायब हो गई, और उसके बाद हमें पता चला शैतान कौन है। जून के शुरुआत में ही मेरे दादाजी गुजर गए थे। दरअसल हमने उन्हें कभी देखा नहीं। मम्मी ने सालों तक उनसे बात भी नहीं की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब वो नहीं रहे, तब उन्होंने तातरगांव जाने का फैसला लिया। आलिया और मैंने तातरगांव पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगा था ये मॉस्को से काफी दूर होगा, पर वो उतना दूर भी नहीं था। मेरा दांत फिर से हिल रहा है। तो अपने मुंह में उंगली मत दो ना। तो उससे क्या होगा? उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद? अब बस भी करो। मॉम मैं थक गई हूँ, क्या हम एक मिनट रेस्ट कर सकते हैं? अलीना चुप करो, नहीं तो गाड़ी से उतार दूंगी, फिर पैदल आना। अच सीरी, कितना फनी नेम है गांव का। फनी? मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है। मुझे लगा आप मॉस्को में पैदा हुई हो। नहीं, तुम्हारे पापा पैदा हुए थे मॉस्को में, मैं अच सीरी में पैदा हुई थी। मॉम, क्या अंकल तिमूर यही रहते हैं? हाँ। मॉम, क्या आप उनसे प्यार करते हो? हाँ। मॉम, अंकल अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है? अलीना बेटा, अब बस भी करो, मेरा सर दुख गया तुम्हारे सवालों का जवाब देते देते। टाटारसन वोल्दा नदी के पास ही है, आप एक रात में गाड़ी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तातरगांव काफी हद तक रशिया जैसा ही था, लेकिन टाटर्स मुस्लिम लोग थे। वो मस्जिद जाते हैं, चर्च नहीं, और उनकी बोली तातर थी। मेरी मॉम पहले वहाँ तातर ही बोलती थी, फिर बाद में मॉस्को शिफ्ट हो गए तो रशियन बोलना शुरू कर दिया। देखो, हम लोग आ गए। ये घर है? हाँ, मेरा पूरा बचपन यहीं बीता है। वाओ मरकिया,
क्या यहाँ पानी आता है? हाँ आता है, क्यों क्या हुआ तुम्हें? और टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट वहाँ यार्ड में है। कैसे हो तिमूर? मैं ठीक हूँ। बच्चों अंकल से मिलो, इधर आओ, इनसे मिलो, यही अंकल तिमूर है। हेलो बोलो। हेलो। हेलो। कितने सालों बाद हम दोनों मिले हैं? 10 साल। अपनी कार को पड़ोसियों के यार्ड में पार्क कर दो, फिर अंदर आ जाओ। शुक्रिया। ये लोग पहले यहाँ कभी नहीं आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए, पर यहाँ तो अब तक कुछ भी नहीं बदला है। पापा घर ठीक कराना चाहते थे पर समय ही नहीं था उनके पास। नए पर्दे टांग रखे हैं और एक नया काउच खरीदा है, पैसे भी कहाँ थे उनके पास? मुझसे तो पूछ लेते एक बार, मैं दे देती। वो तुमसे नहीं लेना चाहते थे। तुम अब यहीं रहते हो? किसी को तो पिताजी की देखभाल करनी ही है। हम तभी यहाँ आ गए थे जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी, और अब हम ये घर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसे बेचने के बाद हम वापस शहर चले जाएंगे। वहाँ कौन है? मेरी पत्नी है, लहसन नाम है उसका। तिमूर क्या तुमने शादी कर ली? हाँ 2 महीने पहले। वो रोज नमाज पढ़ती है। आओ मैं मिलवाता हूँ उससे, आ जाओ। नहीं मुझे अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं, अभी नहीं। आओ मिलवाता हूँ। वो क्या कर रही है? मुस्लिम लोग ऐसे प्रेयर करते हैं। सलाम अलैकुम। आप लोग पहुँच गए? मेरी बहन है, इनसे मिलो, इनका नाम आलसो है। मैंने आप लोगों के बारे में तिमूर से सुना है। चलो अच्छी बात है। इसने बताया कि आप लोग मॉस्को रहते हैं और आपका खुद का बिजनेस है। बच्चों अपने बारे में कुछ बताओ। समझा नहीं। आप लोगों तातर बोलने नहीं आती ना? मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। मेरा नाम लहसन है। रुसलान हूँ। तातर में लहसन का मतलब क्या होता है? बसंत की बारिश। और आपका नाम क्या है? एलेना। बहुत ही प्यारा नाम है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तिमूर तुम बहुत ज्यादा पतले हो गए हो। हाँ पता नहीं क्यों, मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन फिर भी 1 महीने में 6 किलो वजन कम हो गया। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ मैंने पिछले हफ्ते कजान में डॉक्टर को दिखाया तो था, उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा था कि तुम एक्सरे करवा लो, और तुम हो कि तुमने करवाया तक नहीं। करवा लूंगा बेबी, करवा लूंगा। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? उराजा। ये कैसे हुआ? क्या? पापा के साथ? कैसे हुआ? ऐसे ही बस। शाम को अचानक उनको अजीब लगने लगा, बड़बड़ाने लगे, और फिर रात में उनकी डेथ हो गई। किसी ने मुझे बताया कि उन्हीं की वो बीमार थे, मैं आ जाती। वो नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ आओ। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ देती। हमने अच्छा और बड़ा डॉक्टर ही ढूंढा था। मुझे नहीं लगता वो अच्छा डॉक्टर था। चुप करो। वो तुम्ही थी जो हमारी फैमिली को छोड़कर मॉस्को चली गई थी। हम लोग यहाँ बड़ी मुसीबत में थे। मैं उन्हें संभाल रहा था यहाँ पर जब तुम अपना करियर बनाने के लिए मॉस्को चली गई थी। मैंने नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला। मॉम क्या हुआ आपको? एलिना मुझे परेशान मत करो,
नाश्ता कीजिए ना। वैसे उन्होंने वसीयत में मेरे लिए ये घर छोड़ा है, तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं? माम, वहां दीवार पे क्या है? एलिना, मैंने कहा ना चुप बैठो। ये शमाइल है, कुरान की आयत। ये घर को बुरी आत्माओं से बचाती है। ज़ॉम्बीज से भी? हाँ, ज़ॉम्बीज को भी। ज़ॉम्बीज जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं, ज़ॉम्बीज होते हैं। मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ बिना बच्चों के, पर मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? मैं बच्चों के साथ रह लूंगी। बच्चों के आप लोग झरना देखना चाहोगे? हमारे गांव में बहुत मशहूर है। वहाँ क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं? वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ तातर कथाओं से जुड़ी बहुत सारी लकड़ी की मूर्तियाँ भी हैं। मैं घर में रहना चाहता हूँ। वाईफाई है क्या? बस टीवी है। क्या तुम राइटर कयूम नुसरी को जानती हो? नहीं आंटी। वो तातर के काफी मशहूर राइटर थे। उन्होंने बहुत सारी लोक कथाएं और परी कथाएं लिखी थी और उनका जन्म हमारे गांव में हुआ था, मतलब हमारे गांव में नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर। और ये झरना उनके दादाजी ने बनवाया था। आप तो गाइड की तरह बात करती हो। मैं गाइड ही हूँ। बाहर से यहाँ अक्सर लोग आते हैं और उन्हें मैं अलग अलग चीजें बताती हूँ, और मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं बच्चा नहीं हूँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन तुम बहुत ही क्यूट हो। और मैं क्या हूँ? और तुम पाक साफ दिल वाली राजकुमारी हो। चल वहाँ चलते हैं, देखो क्या क्या है वहाँ। वहाँ देखो, चलो चलो ना। इसे पियो, ये बहुत ही साफ और ठंडा पानी है, पी लो। ओह, ठंडा है पर टेस्टी है। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती हूँ इसे। क्यों नहीं पी सकती? मैं मुसलमान हूँ और अभी हमारा रमादान का पाक महीना चल रहा है। तुम जानते हो रमादान क्या होता है? नहीं। ये वो महीना है जब मुसलमानों को सुबह होने से पहले खा लेना पड़ता है, उसे उराजा कहते हैं, जैसे ईसाइयों के लिए फास्टिंग होता है। हमारे पापा भी ईस्टर से पहले फास्टिंग करते थे, फिर खाना खाते थे और उल्टी करते थे। तुम्हारे पापा कहाँ है? वो हमें छोड़कर चले गए, हम मम्मी के साथ रहते हैं। ओह, ये बात है। तो आप लोग मम्मी के साथ रहते हो? नैनी नताशा हमारे पास आती है और हमें पार्क लेकर जाती है। शाम को वो हमारे साथ खेलती है। हमारा हाईवे पर बहुत बड़ा घर है। हमारी मम्मी बहुत अमीर है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी की डायरेक्टर है। और बिल्तिर ने लकड़ी के गट्ठे से एक कील निकाल दी। शुराली की उंगलियां दरार में फंस गई और फिर वो लड़का भाग गया। शुराले ने चिल्लाना शुरू कर दिया और सारे शैतान जंगल से आ गए। फिर उन लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें किसने नाराज किया है? और उसने जवाब दिया, बिल्तिर, जिसका मतलब होता है तातर का आखिरी साल। तो फिर सब हंसने लगे, अगर तुम्हें पिछले साल किसी ने नाराज किया तो अभी क्यों शिकायत कर रहे हो? फिर तो फिर कहानी खत्म। और उसके बाद क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं, किताब में लिखा हुआ नहीं है। क्या यह बाबा यागा है? ये उबिरली किंचिक है, ये एक तातर बाबा यागा जैसा है। और ये यासु असानी है, पानी की चुड़ैल। ये चुड़ैल जो झील में रहती है। ये अच्छी है या बुरी है? कुछ बोल नहीं सकते। अलीना, उधर देखो, एक झील है, चलो तैरते हैं। नहीं रुको, रुस्लान रुको, मुझे भी ले चलो। रुको, तुम अब तैर नहीं सकते।
रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। रुसलान नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो नहाऊंगा। रुसलान देखो पानी कितना गंदा है। ये बहुत डरता है। वाकई में गंदा है और मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं। मॉस्को में एक एक्वा पार्क है। वाह, हमारे कजान में भी एक्वा पार्क है, वो भी दो। कल हम लोग वहाँ चलेंगे, चलना चाहोगे? हम जाएंगे। हाँ, चलेंगे। तो ठीक है, तुम लोग हमारे मेहमान हो और कल रविवार भी है, अगर तुम्हारी मम्मी परमिशन देगी तो हम लोग जाएंगे। बहुत मजा आएगा, कल हम वहाँ जाएंगे। बस यही है, वो काफी टफ थे। लहसन और मैंने अभी अभी शादी की और एक महीने में ये हो गया। ऑपरेशन नहीं हो पाया, बहुत देर हो चुकी थी। फोर्थ स्टेज मेटास्टेसिस डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें अस्पताल में रखने का कोई भी फायदा नहीं है, इन्हें अपने घर लेकर जाओ। उन्हें मॉम के पास क्यों नहीं दफनाया? उन्हें शहर पसंद नहीं था, वे गांव में ही रहना चाहते थे, इसलिए। समझ गई। ओ पापा, मरने के बाद भी आप अपनों से दूर रहना चाहते थे। मैं हमेशा से उनके साथ में ही था। सचमुच वो केवल तुम्हारे जैसे लोगों को टॉलरेट कर सकते थे, तुमने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। और तुमने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। सिर्फ इसलिए कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी की। और तुम्हारा वो प्रेमी तुम्हें मॉस्को में दो बच्चों के साथ छोड़कर चला गया। तुमने उन्हें कभी पसंद नहीं किया, तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जैसे शैतानों को नरक में जगह मिलेगी। ऑल्सो मेरे पास मॉम की एक बेहतरीन ज्वेलरी है जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। थैंक्स। बच्चों तुम अपने बैग पैक करके सो जाओ, कल हम लोग सुबह 6 बजे निकलेंगे। कहाँ? और कहाँ, अपने घर? लेकिन कल तो रविवार है। 10 घंटे गाड़ी ड्राइव करके जाने में लगेंगे। फिर एक्वा पार्क? कौन सा एक्वा पार्क? आंटी लेसन ने वादा किया है कल वो मुझे एक्वा पार्क ले जाएंगी। लेकिन मैंने कहा था तुम्हारी मम्मी परमिशन देंगी तभी। तुम लोगों ने 1000 बार एक्वा पार्क देखा है। लेकिन खजान में तो नहीं देखा। तो उससे क्या होता है? मुझे एक्वा पार्क जाना है। एलिना जिद करना बंद करो और मुंह बंद रखो। मम्मी मत चिल्लाओ। तुम बीच में मत बोलो और अपनी मॉम को मत सिखाओ। आप बहुत बुरी हो और हम पर हमेशा चिल्लाती रहती हो। आपने एक डॉग देने का वादा किया था और अब तक नहीं दिया, बहुत बुरी हो आप। डॉग की देखभाल कौन करेगा? ये आंटी लेसन बहुत ही अच्छी हैं। काश ये हमारी मॉम होती तो कितना अच्छा होता। तो फिर अपने पसंद की मॉम के साथ रहो, मेरे साथ नहीं, समझ गई? बच्चों, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। वो भी तो हम पे चिल्लाती है, हमेशा चिल्लाती रहती है, सारा दिन काम करती है और घर पर आकर चिल्लाती है। हमारी मेड ही इनसे अच्छी है। हम लोग अगली बार एक्वा पार्क चले जाएंगे। चलो अब चल के पैकिंग करते हैं। Oh,
क्या हुआ? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ये आवाज मॉम के कमरे से आ रही है। हमें जाके देखना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। किसी ने यहाँ पानी के लिए आया है। मछली सी महक आ रही है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वो यहाँ नहीं है, हो सकता है वो हमें छोड़कर चली गई हो। हम दोनों ने उस चुड़ैल को देखा है, हम दोनों पागल नहीं है, समझे? वो सच में डरावनी थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी मॉम घर छोड़ के चली गई, वो भी खिड़की के रास्ते? हमारी मम्मी खिड़की के रास्ते क्यों जाएगी, वो तो दरवाजे से जाएगी ना। अब ये क्या है आखिर? ये मैंने कहीं देखा है। ये तो मॉम के बाली है, ये उन्हें दादी ने दिया था। क्या वो ये बाली पहन के सोई थी? मॉम हमेशा बाली पहन कर सोती थी, आपको पता नहीं है? नहीं। दिलचस्प। कुछ मिला क्या?
एक बार और देख लो। यहाँ कुछ नहीं है। पक्का ना? ये तो एक छोटी सी झील है और गहरी भी नहीं, यहाँ तो पैदल भी चल सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ पर होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। बच्चों ने बताया कि पानी वाली चुड़ैल उसे झील में खींच कर ले गई थी। अच्छा, रेस्क्यू वर्क के चलते ना तो चुड़ैल का पता चला और ना ही मिकी माउस का। सुनो, क्या तुम कोई जगह ढूंढना भूल तो नहीं रहे हो? एक बार फिर से चेक कर लो। शायद वो नीचे लेटी हो, हमें ढूंढने के लिए राजकुमार को बुलाना पड़ेगा। मजाक थोड़ा कम किया करो तुम, हर बात पे मजाक अच्छी बात नहीं है। ये तो कुछ अलग ही सिचुएशन हो गई है तैमूर। तो फिर अब क्या करना है? अब करना क्या है, जांच पड़ताल शुरू करेंगे और क्या। ये शायद वो खुद लौट आए। और अगर नहीं लौटी तो? पापा की वजह से वो डिप्रेस्ड हो गई थी, कहीं उसने खुदकुशी ना कर लिया हो। और दो बच्चों को अनाथ होने के लिए छोड़ दिया, कैसी माँ होगी अगर उसने ऐसा किया है तो। अब हम क्या करेंगे? अब यही करना है कि ढूंढेंगे। पहले मुझे बच्चों से बात करनी पड़ेगी, वो भी अकेले में बात करनी पड़ेगी। चलो आओ बच्चों से बात करें। बच्चों मुझे ये बताओ, ये बाली पहले किसको मिली? ये तो अंकल तिमूर को। तुम लोगों ने इसे घास में पहले ही देखा था? नहीं, उन्होंने घास से उठाया। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले से ही उनके हाथ में हो। ऐसा क्यों? सुराग तो नहीं मिला है और ये बाली तिमूर ने ही पहले देखा। वहाँ तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं था? इसमें कुछ अजीब नहीं है, उनके पास टॉर्च था, हमारे पास नहीं थी। क्या वो तुम्हारी माँ के खिलाफ साजिश कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत पैसे वाली है ना, और अंकल तिमूर उनके इकलौते रिश्तेदार हैं। अगर वो नहीं मिली तो वो तुम दोनों को अपने पास रखकर सारी जायदाद अपने कब्जे में कर सकते हैं, है ना? तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में? हमारी मॉम जरूर मिलेगी। मुझे लगता है कि कल उनका झगड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि वो पिछले 10 साल से झगड़ रहे हैं। सच में मुझे नहीं पता। तुम बहुत कुछ नहीं जानते हो बेटा, मैं तिमूर को कई सालों से जानता हूँ। कानून के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है उसके। जब मैं झील में जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोका। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे पता है, वो पानी वाली चुड़ैल ही थी। मैं पुलिस में काफी समय से काम कर रहा हूँ बेटा, और मेरा अनुभव यही कहता है कि शैतान भी बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता है। अगर कोई अपराध हुआ है तो देखो उससे किसे फायदा हो रहा है। तुम लोग फिक्र मत करो, उनको जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता है, वो पानी वाली चुड़ैल ही थी। चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम दोनों को कुछ खिलाती हूँ। ये तुम्हारे लिए। मुझे लगा कोई पीने वाली चीज होगी। नहीं, दुकान में मिलने वाला दही गाढ़ा नहीं होता, इसलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। आंटी लेसान, क्या हमारी मॉम वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। पुलिस के साथ तिमूर अंकल की कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? ये सब पुलिस अंकल ने हमें बताया।
एक बार तिमूर ने किसी को बहुत बुरी तरह से मारा था और इसी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने किसको मारा था वो तो मुझे नहीं पता। क्या तिमूर अंकल ने जब आपको पहली बार देखा तभी पसंद कर लिया था? हाँ, और उस दिन उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए कहा। आप बहुत खूबसूरत और अच्छी है इसीलिए ऐसा कहा होगा। शुक्रिया। खैर, क्या आपने उसी दिन उन्हें शादी के लिए हाँ कह दिया था? नहीं। आओ तुम्हारे बालों की चोटी बना दूं। चलो उधर घूमो। मम्मी, कहाँ जा रहे हो? मम्मी, 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 कहाँ हो? मम्मी, हमारी मॉम नहीं लौटी तो क्या होगा? वो जरूर लौटेंगी, वो हमें छोड़ नहीं सकती। कहीं वो मर तो नहीं गई? नहीं, वो मर नहीं सकती। अगर वो चली गई तो क्या पापा हमें अपने पास रखेंगे? नहीं, पापा हमें साथ नहीं रखेंगे क्योंकि हम उनकी फैमिली के हिस्से नहीं हैं। तो हम किसके साथ रहेंगे? अंकल तिमूर और आंटी लहसन के मुझे साथ। उनके साथ नहीं रहना, मुझे मॉम चाहिए। लेकिन तुमने ही तो कहा कि मॉम बुरी है और आंटी लहसन बहुत अच्छी है। जो भी हो, मुझे मॉम ही चाहिए। मॉम कब आएगी? चलो अब चलते हैं। अलीना, मुझे पता है मॉम को कैसे बचाना है। कैसे? हमें चुड़ैल को ढूंढना होगा। अच्छा, हमें ये पता करना होगा कि दूसरे लोग उससे कैसे निपटते हैं। कैसे? याद है ना लहसन ने क्या कहा था? हाँ हाँ। एक लेखक था कय्यूम निसीरी, जो बच्चों के लिए परियों की कहानियाँ लिखता था। गांव में एक म्यूजियम है, शायद वहाँ चुड़ैल के बारे में किताबें हो। अगर तातर में हो तो किसी से ट्रांसलेट करवा लेंगे। हेलो, यहाँ कोई है? हेलो, कोई है क्या? यहाँ कोई है क्या? अस्सलाम वालेकुम। मतलब नहीं समझा। तुम्हें समझ में नहीं आया? मतलब अल्लाह आपको शांति दे। आपको भी शांति दे। शुक्रिया बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? एलेना। रुसलान। और मेरा नाम है राविल हजरत। तुम दोनों हमारे गांव से तो नहीं हो ना? नहीं। क्योंकि मैं इस गांव में सबको जानता हूँ। आपका नाम बड़ा अजीब है, हजरत। हजरत कोई नाम नहीं होता है, हजरत का मतलब होता है मौलवी। आप एक मौलवी होकर मूर्तियां बना सकते हैं? नहीं, सालों पहले मुसलमानों को ऐसी कला बनाने की अनुमति ही नहीं थी, पर अब चीजें पहली जैसी कुछ नहीं है। और ये हमारी परंपरा भी है। असल में मैं इस म्यूजियम का डायरेक्टर भी हूँ। अब ततार की परियों की कहानियां जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। क्यों लेकिन? हमारी मॉम को पानी की चुड़ैल चुरा ले गई। इसमें हंसने जैसी क्या बात हो गई? पानी की चुड़ैल उनको लेकर चली गई। मुझे याद है उस वक्त मछली की बदबू आ रही थी। सुअनासी एक काल्पनिक लीजेंड है। ये सब बातें झील में रहने वाले राक्षसों को बताओ। जब वो लोग आपके पास आएंगे तब आपको पता चलेगा।
नहीं, अगर एक चुड़ैल तुम्हारे पास आती है तो उससे बचना आसान होता है। तुम्हें ये पढ़ना है जिससे अल्लाह मदद करेगा, बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम मिन्ना शैतानी रजीम, और वो चुड़ैल वहाँ से चली जाएगी। वो कैसे? बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम इसका मतलब है अल्लाह सबसे रहम दिल है और सारे शैतान तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। शैतान कौन होता है? शैतान एक दैत्य है। मैं ये सब नहीं जानता क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं, ईसाई पादरियों के पास बुराई से लड़ने के लिए अपनी प्रेयर्स होती है ना, लेकिन मैं एक मौलवी हूँ हजरत, मैं तुम्हें मुस्लिम तरीका सिखा सकता हूँ जो एक हजरत का फर्ज होता है। क्या झील के चुड़ैल को बाहर निकालने का कोई तरीका है? है तो नहीं, फिर भी देखते हैं। अच्छी खुशबू है। ये जड़ी बूटियां हैं। कय्यूम नासरी ने कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ने के बाद उनके बारे में लिखा भी है। पता नहीं वो किताब मैंने कहाँ रख दी। बच्चों के लिए है? हाँ, ये बच्चे के लिए ही है। आओ यहाँ बैठो। कैसे? यहाँ पैर रखो और इस पालने को हिलाओ। ये एक स्पिंडल है। तातार महिलाएं ऐसे ही किया करती थी। वो अपना काम भी करती रहती थी और अपने बच्चे को ऐसे झुला के खिलाया भी करती थी। रसलान यहाँ आओ बेटा, बैठो यहाँ। इसमें पानी के चुड़ैल की कहानी है जिसने एक लड़की को झील में खींच लिया था और गांव वालों ने झील में जहर मिला दिया था। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, सारे जीव बीमार हो गए, लेकिन झील में से चुड़ैल सामने नहीं आई। हालांकि चुड़ैल हमेशा तब आती है जब तुम उससे कुछ चुराते हो। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, उदाहरण के तौर पर कंघी, तुमने तुकाई की कहानी नहीं पढ़ी? वो एक लड़के की कहानी है जिसने चुड़ैल की कंघी चुरा ली थी और वो रात को कंघी लेने के लिए उसके घर आ गई थी। जब चुड़ैल ने मॉम पर हमला किया था तो उसके बालों में क्या था? उसके बालों में पुरानी हेयर पिन थी, मैंने देखा था। वो हेयर पिन नहीं थी, वो एक कंघी थी और उसे हटाने की वो बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन हटा नहीं पाई। बिल्कुल सही, चुड़ैल कंघी के लिए आई थी इसलिए उसने हमारी मॉम को चुरा लिया। लेकिन उनके पास कंघी आई कहाँ से? कहाँ से आई? अरे तुम्हें याद नहीं है क्या, कल रात अंकल तिमूर पुराने गहनों का डिब्बा लेकर आए थे, वो कंघी वही थी, तिमूर अंकल उसे लाए थे। क्यों लाए थे? पुलिस ऑफिसर ने कहा था ना कि हमारी मॉम नहीं मिलेगी तो सारी जायदाद तिमूर अंकल को मिल जाएगी। लेकिन वो तो जेल में है ना? नहीं, वो जेल में नहीं है, पुलिस अंकल ने कहा था उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस कंघी को ढूंढ के चुड़ैल को देनी होगी ताकि मम्मी को छोड़ दे। लेकिन कैसे? पता नहीं।
लगता है तुम लोगों के अंकल आज रात को नहीं आएंगे। हमें आज अकेले ही सोना होगा। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं बगल वाले कमरे में ही रहूंगी। अगर चुड़ैल फिर से आ गई तो? नहीं आएगी, और अगर आएगी तो मैं उसे भगा दूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? मौन दातर में गा रही है। नहीं। तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं। मौन की आवाज सुनो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं आंटी लहसन के पास जाती हूँ। क्या हुआ लीना? आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई गाना गा रहा है, सुनो। कुछ भी ऐसा नहीं है लीना, तुम सोचो, ठीक है? चलो जाओ सोचो। ऑटो चलते हैं। कहाँ? मॉम के पास। क्या तुम्हें अब सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है, लेकिन पहले तो कभी उन्होंने तातर में नहीं गाया है।
बिस्सा, बिस्मा, बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला, रहीम, रहीम, बिस्मिल्ला ही रहमाने रहीम, औज बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, औज बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, औज बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तुम दोनों भागो, नहीं हमें कंगी ढूंढनी है, वो अभी यही कहीं होनी चाहिए। मुझे मिल गई कंगी, मिल गई, जल्दी चलो, मुझे कंगी दे दो। क्यों? अगर वो चुड़ैल आ गई तो मैं सबको बचा सकती हूँ, तुम बच्चे हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। रुसलान, तुम ये इन्हें दे दो। नहीं दे सकता, क्योंकि मम्मी को बचाने के लिए इसकी जरूरत है हमें। हम उन्हें मिलके बचाएंगे, आओ मेरे साथ। सुबह कब होगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर वो फिर से आई तो? नहीं, वो नहीं आएगी। वहां देखो, वहां शमाइल है, कुरान के प्रेयर्स हैं। जब भी शैतान इसे देखते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। क्या हमारी मॉम मिल जाएंगी? मुझे नहीं पता। क्या वो जिंदा है? मुझे नहीं पता। क्या आप भी हमें छोड़ देंगी? बच्चों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम लोगों से बहुत प्यार करूंगी, मैं तुम दोनों की मॉम जैसी बनने की कोशिश करूंगी। हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप अच्छी हो बहुत। हाँ, वो बेहोश हो गए थे, तबीयत अचानक से खराब हो गई थी इनकी, सर चकराकर गिर गए। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये हीट स्ट्रोक है? हाँ, पर ये सुबह सुबह ही हुआ। नहीं, बुखार तो नहीं है, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं आप? वो सच में बीमार है, डॉक्टर नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हें तेज बुखार नहीं है, इसीलिए बहाना बना रहे हैं। हजरत को बुलाओ। तुम्हें हजरत की क्या जरूरत है? उन्हें मेरे लिए दुआ करने को कहो। जाओ, जल्दी जाओ।
ओ, देखो यहाँ कौन आया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी पानी की चुड़ैल कैसी है? हमने उसकी कंघी ले ली है, वरना वो हमें खा जाती। बहुत बढ़िया। रवील हजरत, हमारे अंकल तिमूर बीमार है, उन्होंने उश्करू पढ़ने के लिए बुलाया है। उश्करू? ये तो बीमारी से लड़ने के लिए पढ़ी जाती है। क्या हुआ उन्हें? आज सुबह सुबह बेहोश होके गिर गए। बेहोश हो गए? चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे बेहोश हो गए। आओ चलते हैं। हाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ अब चलो चलते हैं। जा रही है शायद झरने में जा रही है पानी भरने के लिए। मुझे भी जाना है वहाँ। उन्होंने कहा था कि हजरत के साथ रहना। मैं चुपके से चली जाऊंगी, उन्हें पता नहीं चलेगा। अलीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनशैतानिर्रजीम। अच्छा लग रहा है, क्या परेशानी है तुम्हें? रवील हजरत। क्या हुआ बोलो? मैं मर रहा हूँ। ऐसा मत कहो, तुम बस बीमार हुए हो और कुछ नहीं है। रवील हजरत, मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी आत्मा को खींच रहा है। मुझे लगता है तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। रवील हजरत, मेरी बहन मेरी वजह से गायब हो गई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कब्रिस्तान में मैंने कहा था कि ऐसे शैतान को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहन के लिए कहना गलत होता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने अपने पापा को उसके खिलाफ कर दिया था। 10 साल पहले एक आदमी मॉस्को से हमारे गांव में आया था, बड़ी महंगी कार से, सारे फैशनेबल कपड़ों में, बड़ी बड़ी बातें हांकने वाला। उसने हमसे कहा कि हम सब गंवार हैं और हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, असली जिंदगी सिर्फ मॉस्को में है, और मेरी बहन को उससे प्यार हो गया। फिर आगे क्या हुआ? हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ, हाथापाई हो गई। मैंने उसकी नाक तोड़ दी तो उसने पुलिस बुला ली, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मुझे सस्पेंड करने की सजा सुनाई, लेकिन मेरी बहन का कहना था कि वो उससे प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती, इसलिए वो दोनों मॉस्को चले गए, शादी कर ली और उनके बच्चे भी हो गए। पापा ने कहा अब मेरी कोई बेटी नहीं है। कैसी कहानी है ये। आखिर मैंने ही अपने पापा को उसके खिलाफ किया था, लेकिन मैं इस बोझ को अपने आत्मा पर लेकर नहीं मरना चाहता। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है। तुम ये घर भी तो बेचने जा रहे हो ना, उससे माफी मांगो, आखिर वो तुम्हारी बहन है। इस घर के आधे पैसे उसके भी बनते हैं और वो उसका हक है, समझे? लेकिन वो तो बहुत अमीर है। दूसरे का हक मत मारो। आप सही कह रहे हैं, असल में मैं खुद ही उसे आधा देने जा रहा था, लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं आई तो? तो फिर उसके बच्चों की देखभाल करना पालना तुम्हारा काम है, उसके हिस्से के पैसे तुम दान में दे देना। समझ गया, शुक्रिया हजरत। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म,
चाय पी रहे हो? आपको भी पीना है? नहीं शुक्रिया। अंकल तिमोर कैसे हैं? वो ठीक है। ये कैसे हुआ? क्या हुआ? शमाइल उल्टा लटका हुआ है और बेडरूम में भी यही हाल है। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे लोग अरबी नहीं पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम। कैसे हैं हजरत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। झरने का पानी लाई हूँ, चाय पियोगे? मैं पहले ही चाय पी चुका हूँ। वो कैसे हैं? अभी तो ठीक हैं। ओह शुक्र है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अलीना तुम कहाँ गई थी? मैं टहलने गई थी। कहाँ पर? यही सड़क पर। अच्छा चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, आप भी ख्याल रखिएगा हजरत। क्या हम दोनों आपके साथ आ सकते हैं? किस लिए? हमें एक पर्सनल बात करनी थी। कयूम निसीरी वाली। अच्छा आ जाओ चलते हैं। रवील हजरत, अंकल तिमोर ने आपसे क्या कहा? ये मेरी और उनकी पर्सनल बात है। क्या हमारी मॉम के बारे में कुछ कहा? बस थोड़ा बहुत। हमें पता है उन्होंने ही मम्मी को मारने की कोशिश की, उन्होंने ही चुड़ैल को बुलाया है। क्या बोल रहे हो? उन्होंने ही मम्मी को शापित कंघी दी थी। किस लिए? सारे पैसे लेने के लिए। नहीं ये नहीं हो सकता। आपको कैसे पता? क्योंकि वो घर बेचना चाहता है और तुम्हारी माँ से माफी मांगना चाहता है, समझे तुम? वो उनका हक नहीं मार रहा है। ये कौन है? ये है युहा किज। ये कौन? युहा। इसकी जेब कितनी गंदी लग रही है। हाँ एक भयानक पिशाचनी। ये क्या करती है? ये 1000 साल पुरानी नागिन है और ये एक बहुत सुंदर लड़की का रूप भी ले सकती है। युहा अमीर आदमी से शादी करती है, वो आदमी उसके प्यार में पड़ जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। ये किसी का भी रूप धारण कर सकती है, समझे? उसको नाभि नहीं होती क्या? नहीं उसकी नाभि नहीं होती है, उसके मुंह से हमेशा बहुत बुरी बदबू आती है। वो कभी कुछ नहीं खाती है पर पानी के बिना नहीं रह सकती है। एक लोक कथा भी है, एक आदमी को शक था कि उसकी पत्नी नागिन है
और उसने सोने से पहले सभी बाल्टियों से पानी खाली कर दिया। जब रात हुई तो उसने देखा कि उसकी पत्नी झील पर जाकर पानी पी रही थी। फिर उसने क्या किया? कुछ नहीं, वो इतनी ताकतवर है कि कुरान की आयतों को सुनकर भी नहीं डरती। थैंक यू, आपने हम लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। कोई बात नहीं। सुनो बच्चों। क्या क्या हुआ? नागिन कभी बच्चों की माँ नहीं बन सकती, वो बांझ होती है, इसलिए वो दूसरे बच्चों को बहुत प्यार करती है, एक माँ की तरह। मैं समझ गया। इन सब के पीछे अंकल तिमूर नहीं है, लहसन है। वो शुरुआत से ही मुझे अच्छी नहीं लगी। आंटी ऐसे नहीं हो सकती, वो हमसे प्यार करती है। तुमने तो खुद उन्हें पानी पीते देखा जबकि वो रोजे में है। तो क्या हुआ, बहुत गर्मी है तो उन्हें प्यास लग गई होगी। लेकिन सोचो, उन्होंने 2 महीने पहले शादी की, शादी के बाद दादाजी मर गए, फिर अंकल तिमूर बीमार हो गए, उनका वजन घटता जा रहा है जबकि वो अच्छा खाते हैं। युहा के मुंह से बदबू आती है पर आंटी के मुंह से तो नहीं आती है, हमेशा उनसे अच्छी खुशबू आती है। अगर मम्मी गायब हो जाए और अंकल तिमूर नहीं रहे तो सारे पैसे किसको मिलेंगे? जरा ठंडी दिमाग से सोच के देखो। वो हमारे लिए प्रेयर करती है। हजरत ने खुद कहा कि वो आयतों से नहीं डरती। हमें पानी वाली चुड़ैल से बचाया। और एक वही है जो मम्मी को कंघी दे सकती है। तिमूर अंकल तो नहीं देंगे, लेकिन कंघी तो मैंने उन्हें वापस कर दी। पर उनकी तो नाप है। तुम्हें पूरा यकीन है? मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम एक्को पार्क में जाएंगे, जैसा कि तुम्हारी आंटी लहसन ने वादा किया था। अंकल तिमूर, आप आंटी लहसन से कैसे मिले? वो पड़ोस के गांव शिरदन से आई थी, ये पास में ही है। वो कितनी सुंदर लग रही थी उस ड्रेस में, पहली नजर में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, और उसे भी। उनके खानदान वालों का नाम क्या था? एक ऐसा अजीब सवाल है जो पूछा है तुमने। हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों के बारे में जानना चाहते हैं। यूसुपोवा, वो एक बहुत पुरानी फैमिली से आती है। तुम्हें पता है उसके जो परदादा थे ना, उन्होंने रस्पुतिन को मारा था। रस्पुतिन कौन है? वो एक आदमी था। क्या आप उनके रिश्तेदारों को जानते हैं? मुझे जहाँ तक याद है उसकी बहन कजान में रहती है। क्या उनकी नाभि है? क्या कहा? मुझे लगता है आंटी लेसन की नाभि नहीं है। बिल्कुल उनकी नाभि है, और बाकी सब कुछ है उसमें, सब सब कुछ अपनी जगह है, बहुत सुंदर है। ये क्या सवाल है? तुम लोग बिना कैसे कैसे सवाल करते हो। वो देखो, गैस का पाइप। पानी का पाइप कहाँ है? पानी का पाइप तो है ही नहीं, क्योंकि पानी तो कुएं से आता है, लेकिन कुआं कहाँ है? यही होगा। यहाँ कोई कुआं नहीं है। अब ये जानने का एक तरीका है कि घर में बिल्कुल भी पानी ना रहे। मैं पाइप बंद कर दूंगा। लेकिन कैसे? मैं पानी का पंप बंद कर दूंगा। लहसन कहाँ है? बेडरूम में होगी। ठीक है। Thank you.
लेकिन अब सब कुछ हो गया। वहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे? हमें उससे कंघी लेनी पड़ेगी। तुम उसका ध्यान हटाओ, मैं कंघी ले लूंगा। तुम उसका ध्यान हटाओ। ठीक है, तुम कंघी ढूंढो, जल्दी करना। ओ, आप सोई नहीं? मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन घर में एक बूंद पानी नहीं है। मुझे भी प्यास लगी है। अभी रोजे में नहीं हूं, रोजे से पहले पानी पीनी है। शायद पंप सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तुम्हें कैसे पता कि पंप सही नहीं है? बस मुझे ऐसा लगा। चलो देखते हैं। मोटर वहां पर है, जाओ और पानी चालू कर दो। क्या आप लाइट जला सकते हैं? नहीं, वहां लाइट नहीं है। जाओ और पंप चालू कर दो। Thank you.
पानी चालू हो गया है। तुम्हें पंप चलाना कैसे आता है? हमारे पास में एक मोटर है द्रीमोत्र हाईवे पर। द्रीमोत्र हाईवे? मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ तो कोई पंप नहीं है। लेकिन हमारे पास है। पंप किसने बंद किया था? मुझे नहीं पता, अंकल तिमूर ने किया होगा। अंकल तिमूर? वो तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने किया है? पर क्यों करूं? शायद लाइट की दिक्कत हो, फ्यूज उड़ गया हो। फ्यूज उड़ गया है? चलो अंदर चलते हैं। अब अपनी बहन के पास जाओ। अगर मैं आकर देखूं कि तुम दोनों सोए नहीं जाग रहे हो तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है आंटी, जाता हूं। जाओ। मम्मी तो यहाँ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, मॉम को बुलाना होगा। मम्मा! मम्मा! बच्चो, मेरे बच्चो, कहाँ हो तुम लोग? हमारी मॉम कहाँ है? ये झील बहुत खतरनाक है, यहाँ पानी में चुड़ैल रहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुमने उस चुड़ैल को बुलाया था और मम्मी के बालों में कंघी रखा था ताकि तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। तुम दोनों की मम्मी तुम दोनों को परेशान करती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब बच्चों को दर्द होता है। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी मम्मी बहुत बुरी है, वो हमेशा तुम दोनों के ऊपर चिल्लाती रहती है, बुरी है ना? पास मत आना। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम दोनों को सब कुछ दे दूंगी। मैंने तुम दोनों के लिए एक प्यारा सा पप्पी खरीदा है, वो सुबह तक यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास। और तुम दोनों को ट्रैकिंग पे जाने का बहुत शौक है ना, तो मैं तुम लोगों को ट्रैकिंग पर लेकर जाऊंगी जो तुम्हें पसंद है। मैं वो सारे सपने पूरे करूंगी तुम दोनों के लिए। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, सपनों को पूरा करूंगी। हमारी मम्मी को वापस दो। वो अब झील में ही रहेगी वहाँ पर, और तुम्हारे अंकल तिमूर हमेशा के लिए ऊपर जाएंगे। नहीं, मेरे साथ रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, और नहीं रहोगे तो तुम दोनों भी झील में अपनी मम्मी की तरह गायब हो जाओगे। हमें गायब मत करो। तुम दोनों अपनी मम्मी के पास जाना चाहते हो? हाँ, तो ऐसा ही होगा। इनकी मम्मी को लेकर आओ, लेकर आओ मम्मी को, लेकर आओ इनकी।
के पास मम्मी को लेकर आओ। ये पानी की आत्माओं, इनकी मम्मी को लेकर आओ। जब अंकल तिमूर सुबह उठे तो उन्हें याद ही नहीं था कि उनकी पत्नी कैसी थी। उन्हें तो ऐसा लगा कि उन दोनों की कभी शादी ही नहीं हुई थी। मेरा मतलब, उन्होंने कानूनी तौर पर शादी की ही नहीं थी। वैसे वो वापस ठीक हो गए हैं और वो खुशी खुशी रहने लगे हैं। द एंड। मम्मी मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने सारा सामान रख लिया, तौलिया रखे हो ना? हाँ। मॉम, हम लोग एक्वा पार्क चलेंगे ना? बिल्कुल चलेंगे। चलो जल्दी, एक्वा पार्क अब तक खुल चुका होगा। This movie is encoded by Dr. Star.